आदिवासी मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत फंसाए जाने के विरोध में आज उरी मारी क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता रांची से रवाना हुए और हेमंत सोरेन को जेल से रिहा की मांग की है। केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के एजेंसी ईडी द्वारा षड्यंत्र के तहत हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाया गया है, जिसके विरोध में पूरे झारखंड के झामुमो कार्यकर्ता आज रांची सिद्धू कानू में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखी गई है, जिसमें रामगढ़, हजारीबाग, बड़का गांव विधानसभा से सैकड़ों के मेरे नेतृत्व में रांची जा रहे हैं और जब तक हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आ जाए तब तक होली इत्यादि कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। झारखंड के जिले के लोग एक हम लोग उपास में हैं और जब तक हेमंत सोरेन जी बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोग इसी तरह लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग पूरा इसका उल्लंघन किया है। जिस तरह राज अलग हुआ था, राज अलग करने में हम लोग लाखों लोग सड़क में उतरे, तो उसी तरह जब तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक हम लोग आंदोलन चालू रहेगा। और हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी त्यौहार जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं आएगा हम लोग कोई भी त्यौहार सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने का हम लोगों ने मना किया है।